डी रेस्टोरेंट, आपने सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी मोटिवेशनल लाइन से स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक को, आज के चैप्टर को, जो कि है चैप्टर 3, पैरेलल लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट और कमाल का कंसेप्ट, बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। एक एक कंसेप्ट में आपके दिमाग में मैं मतलब फोटोकॉपी जैसा प्रिंट करने वाला हूँ, राइट। बस मेरे साथ आप बने रहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है पैरेलल लाइंस, राइट। पैरेलल लाइंस सबसे पहले समझते हैं कि कहते किसे कहते हैं, राइट। तो दीज आर टू स्ट्रेट लाइन ऑन द सेम प्लेन, राइट। कह रहा है कि एक ही प्लेन पे दो लाइन है ना, एक ही प्लेन पे दो लाइन हो, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज द सेम, राइट। और उनका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है हमेशा क्या रहे, सेम रहे, राइट। एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, और उसके डायरेक्शन को अगर बढ़ाया जाए, दीज लाइन्स नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये लाइन कभी एक दूसरे को काटे नहीं, राइट। कहीं भी क्रॉस नहीं करे, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करे, ये कंसेप्ट है। तो जरा समझते हैं अब वो। मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन ले लेता हूँ। जैसे मानो कि मैंने ये लाइन ले लिया, क्लियर है। ये लाइन को मैंने नाम दिया ए बी, ठीक है। अब मैंने एक ठीक इसके पैरेलल में ये लाइन मैंने ले लिया बी, यहाँ पे सी डी लिख ले रहा हूँ, सी डी, ठीक है। अब देखो, दीज आर द टू स्ट्रेट लाइन। देखो दो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट है, यस, क्लियर है। ऑन द सेम प्लेन, ये प्लेन दिख रहा है ना। प्लेन मतलब होता है कि जैसे आपकी कॉपी हो गई, या अभी अभी तो मेरा बोर्ड है, तो ये मेरा बोर्ड हो गया। कहीं भी किसी भी प्लेन पे, ये दीवार है, ये जैसे ये दीवार है, तो ये दीवार का क्या है, ये प्लेन है, क्लियर है। ओके, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि दीज आर द टू स्ट्रेट लाइन ऑन द सेम प्लेन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब होता है कि अगर इस लाइन से है ना, ए बी लाइन से अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ लाऊं, ऐसे परपेंडिकुलर इस पे डालूं, अभी आपको बताऊंगा अभी परपेंडिकुलर कैसे डालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में डालूं, क्लियर है। तो इन इन दोनों लाइन के बीच का ये जो डिस्टेंस आया, मान लो कि मैंने इस पॉइंट का नाम दिया पी और इस पॉइंट का नाम दिया क्यू, क्लियर है। तो ये जो डिस्टेंस आया पी से क्यू तक, ये जो डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, है ना, बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इज ऑलवेज द सेम, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे अब वो परपेंडिकुलर यहाँ रहे, चाहे वो परपेंडिकुलर यहाँ रहे, चाहे वो परपेंडिकुलर यहाँ रहे, कहीं भी रहे, पी क्यू, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ आर एस टी यू, क्लियर है। तो पी क्यू का जितना डिस्टेंस होगा, ये पी क्यू जितना होगा उतना ही आर एस भी होगा, उतना भी टी यू भी होगा। बातें समझ में आ गई होंगी। और आगे चलते हैं, एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। अगर इनको एक्सटेंड किया जाए, एक्सटेंड मतलब क्या होता है, ये देखो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको, क्लियर है। बातें समझना है आपको, बातें समझ में आनी भी चाहिए। ये मैं एक्सटेंड किया, ठीक है, इधर भी मैं ये बी यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने आगे की तरफ, क्लियर है। ये डी को भी मैं ऐसे आगे की तरफ क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, क्लियर है, क्लियर है। ये एक्सटेंड करूंगा तो देखो ये दीवार, अब ये बोर्ड के उधर तो नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये एक्सटेंड मतलब क्या किया, कि एक्सटेंड कर दिया। तो देखो इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, और उस डायरेक्शन में भी मैंने दोनों लाइन को क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, इसे भी एक्सटेंड कर लिया, इसे भी एक्सटेंड कर लिया, इस डायरेक्शन में इसे भी एक्सटेंड कर लिया, इसे भी एक्सटेंड कर लिया, इस डायरेक्शन में, क्लियर है। तो वही कह रहा है कि एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन दीज लाइन्स नेवर क्रॉस, ठीक है। तो ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे। आप खुद से सोचो ना, ये क्या होगा, ये बढ़ते 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 ऐसे चलता चला जाएगा, क्लियर है ना, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। ये भी ऐसे बढ़ते बढ़ते चलता चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। बातें समझ में आ गई। या इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करे, कहीं काटे ही नहीं, राइट। तो हमेशा इनके जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा क्या है, सेम रहेगा। कभी हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, और कभी एक दूसरे को काटे नहीं, है ना, कभी एक दूसरे को कट नहीं करे, इंटरसेक्ट नहीं करे, तभी हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर कह सकते हैं। बातें एकदम अब समझ में आ गई होगी। ओके, परपेंडिकुलर कोई दे, जैसे ए बी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे, देखो जरा ऐसे
ए बी, और ये जो ऐसे ऐसे खींच देते हैं ना, इसी को परपेंडिकुलर, सॉरी इसी को पैरेलल बोलते हैं। क्या कहा मैंने, ये जो ए बी जो लाइन है ये सी डी के क्या है, पैरेलल है। कैसे, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा तो मैं यहाँ पे वो चाहूँगा क्लियर। तो देखो ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी के, तो कैसे इसको दिखाओगे, है ना, ऐसे में। तो देखो ए बी ये लाइन हो गया ए से बी तक, और पैरेलल हो गया सी डी के, तो ये रहा सी डी के, क्लियर है। तो ए बी पैरेलल सी डी मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके बता दिया कि इस तरह से हमारा लिखने का तरीका होगा। बातें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ सवाल है, राइट, तो इसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, राइट, अब मैं आपको कुछ कुछ एक्सरसाइज करवाता हूँ जिसमें आपको पहचानना है कि ये परपेंड ये सॉरी ये पैरेलल है या नहीं है, क्लियर है। तो वो चीज़, वो एक्सरसाइज, एक छोटा सा एक्सरसाइज है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज के लिए, आपको पहचानने के लिए कि ये पैरेलल है या नहीं है, राइट, उसके लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम मुझे बताओ कि ये जो है आपस में पैरेलल है नहीं। ये ए, मैं यहाँ पे लाइन का नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये एल है, ये एम है, क्लियर है। ये क्या है, ये पी है, ये क्यू है, पी और क्यू लाइन है, ठीक है। और ये आर है, ये एस है, ठीक है, ये यू है, ये भी है, क्लियर। ये ए है, ये बी लाइन है, ठीक है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। उसके बाद ये ई है, ये एफ लाइन है, और ये जी है और ये एच लाइन है, क्लियर है। बस अब आपको मुझे जवाब देना है कि क्या ये लाइन जो है, एल जो लाइन है, एल मतलब यहाँ से यहाँ हो गया, एल जो लाइन है क्या ये एम के पैरेलल दिख रहा है। तो आप कंडीशन यहाँ पे बिठाओ जरा, एक तो देखो कि इनको आगे बढ़ाने से कहीं ये कट तो नहीं हो रहे हैं, आपस में कहीं कटेंगे तो नहीं, क्लियर है, ध्यान से देख लो। आगे आप बढ़ाते जाओगे इन दोनों पैरेलल लाइन को, ऐसे बढ़ाते जाओगे तो कहीं पे इंटरसेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, तो नहीं हो रहे हैं, राइट। और आप ये भी देखो कि कहीं इनका इनका डिस्टेंस बार बार हर जगह इक्वल होना चाहिए, क्लियर है। ये देखो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल इक्वल इक्वल। इसका मतलब क्या है कि एल जो है एम के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, एल पैरेलल एम है, इसका मतलब ये पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी देख लो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ आगे की तरफ, राइट, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना, दोनों तरफ हमें एक्सटेंड करके देख लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कभी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, राइट, ये चलता चला जाएगा कभी। और इनके बीच का जो ये पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी एक जैसा रहेगा हर एक जगह पे, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरा जो फिगर है ये भी क्या है, पैरेलल है, यानी कि पी पैरेलल क्यू। क्या लिखना है यहाँ पे, पी जो है पैरेलल है किसके, क्यू के, है ना, ये ट्रू है, ठीक है। उसी तरह प्रॉब्लम नंबर थ्री में, अब देखो यहाँ पे जैसे ही आर जो लाइन है और एस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये देखो एक्सटेंड किया, तो देखो ये कट कर गया लाइन को, दिख रहा है, ये कट कर गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये आर जो है, आर जो लाइन है ये परपेंडिकुलर नहीं है एस के, तो आर इज नॉट परपेंडिकुलर टू एस, समझ में आया, आर इज नॉट परपेंडिकुलर टू एस, कुछ ऐसे, ओके। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ भी आगे बढ़ा के देखो, आप एक्सटेंड करो तो देखो ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो जा रहा है, कट हो जा रहा है, क्लियर है। तो ये भी क्या हो गया, यू जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है, यू इज नॉट परपेंडिकुलर टू किसके जी, भी के, बातें समझ में आ गई। तो ये सब कंसेप्ट है ताकि आपको सीखना जरूरी है। जैसे अब ए लाइन है और बी लाइन है, तो देखो ए लाइन कुछ ऐसे है और बी लाइन कुछ, बी लाइन को मैं आगे बढ़ाया तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर दिया इस लाइन को, राइट, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ए जो है ये बी के क्या है, क्या है, पैरेलल नहीं है। तो ए इज नॉट पैरेलल टू बी, समझ में आ गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी देख लो, क्लियर, यहाँ भी देखो ये सी को मैं आगे बढ़ाता हूँ कुछ ऐसे, ध्यान से देखो, तो देखो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दिख रहे हैं, सी पैरेलल डी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस भी एक जैसा है, राइट, और इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, राइट। तो इसका मतलब सी पैरेलल डी है, क्लियर है। यहाँ पे देखो सी और एफ में देखो, ध्यान से सी लाइन में और एफ लाइन में देखो, अगर एफ लाइन को मैं ऐसे आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, देखो क्लियर है, आगे की तरफ मैंने बढ़ाया, तो देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ई लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, क्लियर है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका पैरेलल नहीं कहलाएगा, यानी कि ई जो है, ई जो लाइन है एफ के पैरेलल
नहीं है, तो नॉट पैरेलल टू एफ, ठीक है, ये हो गया। एन नहीं लिख रहा हूं मैं, ये पैरेलल लाइन को ऐसे कट कर रहा हूं, ठीक है। ओके, अब यहां पे देखो जी और एच है, ये दोनों को देखो आगे की तरफ बढ़ाओ आप, क्लियर है, ये देखो इधर भी बढ़ाओ, बढ़ाओ इधर, तो देखो कहीं भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्लियर है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और देखो डिस्टेंस भी इनका क्या है, एक जैसा है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या है आपस में, जी और एच क्या है, जी पैरेलल एच है, बातें समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए एक्सरसाइज इसलिए करवाया ताकि आपको पता चले कि पैरेलल का मतलब आखिर होता क्या है। पैरेलल का मतलब केवल ऐसे ही नहीं रहेगा, ऐसे पैरेलल नहीं रहेगा, पैरेलल का मतलब आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, ठीक है। बस आपको वहाँ पे ये देखना है कि अगर मैं लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे तक तो कहीं कट नहीं चाहिए, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये जो पॉइंट है, इस ये की पॉइंट है पैरेलल लाइन का, ठीक है। तो आई होप कि पैरेलल लाइन पूरी तरह से आपके कंसेप्ट, आप पैरेलल लाइन के रिगार्डिंग पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम लोग मूव कर रहे हैं इस पे बेस्ड, जो इसका डिस्टेंस कैसे हम लोग मेजर करते हैं उस पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो ये रहे आपके वो पॉइंट, डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। जैसे कहना क्या चाह रहा हूँ, ये आखिर सिखाना क्या चाह रहा हूँ उसको समझना ज़रा। जैसे मैंने एक लाइन, मैंने ये कुछ यूँ ड्रॉ कर लिया, क्लियर है, ठीक है, थोड़ा फ्री हैंड कर रहा हूँ तो हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा, क्लियर है, एडजस्ट करने की कोशिश करना, राइट। आप ये मत कहना कि सर आपका तो स्ट्रेट लाइन बना ही नहीं है ना, तो ठीक है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना, ओके, ठीक। अब ये रहा, ये लाइन मैं पैरेलल खींच रहा हूँ, क्लियर। इस लाइन का मैंने नाम दे दिया L, इस लाइन का मैंने नाम दिया M, ठीक है। ये दोनों आपस में L पैरेलल M है जी, ये मैंने कह दिया कि L पैरेलल M है, लेकिन मैंने इसमें कंडीशन डाला कि मुझे ये बताओ कि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोग मेजर कैसे करोगे आप, मेजर अगर मैं कहता हूँ कि इसको मेजर करके बताओ कि कितना ये गैप जो है, ये डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच में है, समझ में आया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्लियर है। तो कैसे आप मेजर करोगे, तो उसका एक तरीका है, क्या तरीका है वो चीज़ इसमें सीखने वाले हैं, इस प्रॉब्लम से हम लोग सीखने वाले हैं। यही तो हम लोग ने ये टॉपिक का मैंने क्या नाम दिया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दो जब पैरेलल लाइन है तो इनका बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी इस लाइन पे किसी भी जगह पे एक पॉइंट मान लेते हैं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया पी, क्लियर है। अब इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे है ना, इस पे कुछ आर्क ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, कंपास की हेल्प से, किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से। तो चलो देखते हैं हम लोग हेल्प से। तो आई होप कि आपके घर में भी कुछ ऐसा कंपास होगा, क्लियर है, जिसमें पेंसिल डालते हैं, एक तरफ नुक रहता है, क्लियर है, ये कंपास है, राइट। तो कंपास से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कंपास से इसके नुक को इसके पी पॉइंट पे रखेंगे हम लोग। कहाँ पे रखने वाले हैं, पी पॉइंट पे, क्लियर है, ये रख दिया मैंने पी पॉइंट पे, ठीक है। और पी पॉइंट पे रखने के बाद, ठीक है, ये इसके नुक को पी पॉइंट पे रखने के बाद, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे हम लोग, इस लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा, क्लियर है। और ऐसे पी पॉइंट पे रखे इसको ऐसे और ऐसे घुमाने वाले हैं हम लोग, ऐसे घुमा दिए, ठीक है, देखो जरा, ऐसे पी पॉइंट पे रखा हमने और ऐसे ऐसे कुछ घुमा लिया, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना कि क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। पी पॉइंट पे इसका नुक रहेगा यहाँ पे, और जैसे ही मैंने घुमाया तो एक पॉइंट ऐसे कट किया यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ऐसे कट किया, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको ऐसे रख के घुमाया तो, ठीक है, याद रहे ये नुक जो है ये पी पे रहना चाहिए और ये ऐसे घूमना चाहिए, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से, ठीक है, और ये जो पॉइंट हमें मिला है, ठीक है, इस पॉइंट से आगे इधर की तरफ, ठीक है, इस पॉइंट, अब इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं, ये क्यू, और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने आर, है ना। पी पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से मैंने क्या किया वो तो आपको पता चला, आर का खींचा है मैंने, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैं इधर की तरफ कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, इसी से, ठीक है, और बिना डिस्टर्ब किए हुए, ये जितना मैंने वो किया था, ठीक है, उसी को, अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करते रहना है,
ओपन क्लोज नहीं करना, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, क्लियर है। अब मैंने क्या किया कि ये क्यू जो पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट से मैं इसके नुक को रखा, ठीक है, और मैंने कुछ ऐसे घुमाया, आर्क मैंने खींचा, तो कुछ ऐसे आर्क आया, क्लियर है। यही यही अब बिना डिस्टर्ब किए हुए, मैंने कहा ना इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब इसी को आर पे मैंने रखा, कहाँ पे रखा, आर पे, ठीक। और आर पे रखने के बाद मैंने क्या किया, कुछ ऐसे घुमाया, आर पे इस पॉइंट पे रखा नुक को, और कुछ मैंने ऐसे घुमाया, क्लियर। तो देखो एक यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर, तो इसका नाम दे देते हैं एस, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, स्केल से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं, क्लियर है। तो मानो कि मैंने स्केल रख लिया, ठीक है, स्केल से देखते हैं, ये रहा स्केल, क्लियर है, ठीक। अब इस स्केल से हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को, कौन से पॉइंट को, इस पी पॉइंट को क्यू पॉइंट पे ऐसे रख करके, ठीक है, ऐसे पॉइंट को रख के, और हमने क्या किया, बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा हमने खींच लिया, क्लियर है। तो अब आप ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस कहाँ चाहिए, यहाँ से यहीं तक चाहिए, क्लियर है। आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहीं तक तो आपको डिस्टेंस चाहिए, ये नीचे से तो मतलब नहीं है। अब आपको क्या करना है, स्केल से, इस स्केल से अब आपको मेजरमेंट ले लेना है कि कितना हो रहा है। तो देखो यहाँ पे शुरू का जो पॉइंट रहता है वो जीरो पे, इस पॉइंट पे किसको रखेंगे, स्केल का जीरो को रखेंगे। तो ये मैंने क्या किया, जीरो को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये मेरे स्केल पे आ रहा है ये 15, ठीक है, एग्जैक्ट 15 आ रहा है, क्लियर है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, राइट, इस पॉइंट का भी मैं नाम दे देता हूँ, टी नाम दे देता हूँ, क्लियर है। टी देखो, पी क्यू आर एस यहाँ पे दिया था, ये टी मैंने नाम दे दिया, हर एक पॉइंट का नाम दे ही देना, ठीक है, क्लियर है। ये टी पॉइंट, तो यहाँ पे पी और टी के जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ पी टी, है ना, क्या लिखा मैंने, पी टी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बातें समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब मेरा दो पैरेलल लाइन दिया हुआ रहे तो हमारा ये तरीका होना चाहिए कि कैसे हमें डिस्टेंस मेजर करना है, हमें डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, ये हम लोग का क्या होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। कि ये आपका कंप्लीट तरीका था, क्या था, यहाँ पे कॉम्पास की नुक को रखा और आर्क को ऐसे घुमाया, याद रहे इस पैरेलल लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो जैसे ही आर्क को घुमाओगे तो यहाँ और यहाँ कट करेगा, फिर अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ओपन क्लोज नहीं करने रहना है, वो उसी आर्क से इस पॉइंट पर रख के इधर आर्क घुमाया, फिर इस पॉइंट पर रख के ऐसे घुमाया, तो यहाँ पे एक क्या मिला, कटिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला हमें, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने क्या किया, मैच करा दिया, और ये जो डिस्टेंस मेरा आया इसको हमने स्केल से मेजर कर लिया। जैसे ही मैंने स्केल से मेजर किया तो एग्जैक्ट ये 15 आ रहा है, तो मैंने लिख दिया पी टी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये था आपका पैरेलल लाइन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन कैसे मेजर करते हैं, उसका तरीका था ये। तो आई होप कि आपने जरूर कुछ ना कुछ जरूर इस तरीके को जरूर सीखे होंगे, राइट। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, यही चैप्टर कंटिन्यू रहेगा आपके मैथमेटिक्स में। सो टेक केयर एंड बाय।